हेलो एंड वेलकम टू स्पाइस बॉक्स एंड कुकिंग। आज मैं शेयर कर रही हूँ डोसे के साथ सर्व की जाने वाली अनियन टमाटो चटनी। इस चटनी का टेस्ट थोड़ा नटी, टैंगी और थोड़ा सा स्वीट होता है। इसे हम घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मेथी दाना 1/4 चम्मच, उड़द दाल आधा चम्मच, चना दाल 1 चम्मच, साबुत लाल मिर्च सूखे 2 से 3, लहसुन 3 से 4 कलियां, प्याज 1 रफली कटा हुआ, टमाटर 2 रफली कटे हुए, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, शुगर आधा चम्मच, कोकोनट पाउडर 1 बड़ा चम्मच, चाहे तो फ्रेश कोकोनट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और तेल 2 बड़े चम्मच। तड़का बनाने के लिए हमें चाहिए तेल 1 चम्मच, सरसों दाना आधा चम्मच, हींग 1 चुटकी, करी लीव 5 से 6 और साबुत लाल मिर्च 2। सबसे पहले पैन में हम 2 चम्मच तेल गर्म कर लेते हैं। तेल के मीडियम गर्म हो जाने पर हम इसमें मेथी दाना, उड़द दाल और चना दाल डालकर फ्राई कर लेते हैं। इन्हें हमें हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करना है। अब हम इसमें डालते हैं लाल मिर्च। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें डालते हैं लहसुन। यहाँ मैंने साबुत लहसुन की कलियां फ्राई करने के लिए डाली हैं। मैंने यहाँ 3 लहसुन की कलियां यूज की हैं। अगर आपके पास छोटा लहसुन है तो आप 5 से 6 कलियां यूज कर सकते हैं। लहसुन की आउटर शेल जब हल्का सा गोल्डन होने लगता है तब हम इसमें कटा हुआ प्याज डालकर फ्राई कर लेते हैं। प्याज को हमें ब्राउन नहीं होने देना है, लेकिन हमें इसे कच्चा भी नहीं रखना है। हमें इसे हल्का पिंक होने तक फ्राई कर लेना चाहिए। ये प्याज लगभग फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं कटे हुए टमाटर। इन्हें अच्छी तरह से मिलाकर हम टमाटर को पकने देते हैं। टमाटर में हम साथ में ही नमक डाल देते हैं, जिससे कि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। टमाटर को हम मशी होने तक पकाएंगे और इसके लिए हम फ्लेम्स को मीडियम कर लेंगे और इसे बीच बीच में हम स्टर करते रहते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं हल्दी पाउडर। इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। अब हम टमाटर को मशी होने तक अच्छी तरह से पकने के लिए रख देते हैं। टमाटर का छिलका जब अलग होने लगता है तो इसका मतलब है कि टमाटर गल चुका है और अच्छी तरह से पक भी चुका है। तब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने पर हम इस मिक्सचर को एक ग्राइंडर के जार में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें डालते हैं शुगर। मैंने यहाँ ब्राउन शुगर यूज किया है। आप ब्राउन या वाइट या रेगुलर कोई भी शुगर यूज कर सकते हैं। और अब हम इसे ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेते हैं। अब हम इसमें डालते हैं नारियल पाउडर। इसे हम एक बार फिर से ग्राइंड कर लेंगे, जिससे कि कोकोनट पाउडर अच्छी तरह से चटनी में मिल जाए। और ग्राइंड करने के बाद हम इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं अनियन टमाटो चटनी का स्मूथ पेस्ट बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके लिए तड़का तैयार करते हैं। इसके लिए एक पैन में हम 1 चम्मच तेल गर्म कर लेते हैं। अब हम इसमें डालते हैं सरसों, साथ ही इसमें सूखी लाल मिर्च को हम तोड़कर डाल देते हैं। इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। और अब हम इसमें डालते हैं करी लीफ। मैंने यहाँ सूखी करी लीफ यूज की है। आप फ्रेश या सूखा कोई भी करी लीफ डाल सकते हैं। साथ ही इसमें हींग डाल देते हैं और ये तड़का तैयार है। इस तड़के को हम अनियन टमाटर की चटनी के ऊपर डाल देते हैं। अब ये प्याज टमाटर की चटनी बिल्कुल तैयार है। इसे हम गरम डोसे के साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये थी डोसे के साथ सर्व की जाने वाली प्याज टमाटर की चटनी की आसान सी रेसिपी। आई होप यू ट्राई इट। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लीव अ थम्स अप, शेयर दिस रेसिपी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक्स अ लॉट।